नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएनसी न्यूज में। मैं हूं दिव्या भारती और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज लाइन। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का उनके पैतृक गांव परली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी बेटी पंकजा ने अंतिम संस्कार की विधियों को पूरा किया और अपने पिता को मुखाग्नि दी। मुंडे के अंतिम संस्कार में उनके आखिरी बार दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में लोग दिखे और नम आंखों के साथ लोगों ने मुंडे को अंतिम विदाई दी। गौरतलब है कि 3 जून को सड़क हादसे में गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई थी। मुंडे सारे अमर रहे। केंद्रीय जल संसाधन और गंगा सफाई अभियान मंत्री उमा भारती ने रामगोपाल यादव और सपा नेताओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और बलात्कारों को लेकर दी जा रही बयानबाजी पर जमकर निशाना साधा। उमा भारती ने अपने बयान में कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार बलात्कारियों के पक्ष में बोल रही है। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने बलात्कारियों के पक्ष में बयान देकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अखिलेश की महिला पत्रकार पर दिए बयान पर खुद खेद जताते हुए कहा कि सूबे के नौजवान मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं, जो बड़े दुख की बात है। कि बलात्कार की घटना होना एक विषय है, दूसरा और बलात्कारियों के प्रति स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटेक्टिव रक्षात्मक रुख होना यह दूसरा विषय है। ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कारियों के पक्ष में बोलती है। खुद स्वयं मुलायम सिंह ने बंबई के निर्भया केस के बाद बलात्कारियों का हौसला बढ़ाया, ये कह करके कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। अगर इस देश में बलात्कारियों का हौसला बढ़ाने वाला कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। बलात्कार की घटनाएं पूरे विश्व में हैं, भारत में भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सरकार बलात्कारियों के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ अभी भी सपा सरकार चुप्पी साधे हुए है। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बलात्कार को रोकने में नाकाम से नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने नए नए बयानों को लेकर विवादों में भी फंसते जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मुलायम सिंह ने कुछ इस तरह से भड़के जब उनसे बदायूं गैंगरेप मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सवाल किया। जवाब में वह उल्टा ही मीडिया के खिलाफ बोल उठे कि क्या आप बदायूं गए हैं जहां ये घटना घटित हुई थी। सरकार की नाकामी पर भी नेताजी ने रोक कर कोई जवाब देना नहीं समझा, तो वही बातों को हंसी में टालते नजर आए। आप हो आओ ना, ऐसे बोल रहे हैं। हाल ही में बदायूं में दो बहनों के साथ गैंगरेप और बाद में हत्या करके उनके शव को पेड़ से लटकाने वाली घटना ने जहां पूरे देश को सकते में डाल दिया था, वहीं यूपी में एक बार फिर से उसी घटना की पुनरावृत्ति की गई। सीतापुर में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। परिजनों की माने तो नाबालिग बच्ची शौच क्रिया के लिए घर से बाहर निकली तो थी, लेकिन वापस लौट के नहीं आई। परिजनों ने जब खोजना शुरू किया तो उसका शव पेड़ से लटका मिला। तो वहीं पीड़िता के पिता ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पकड़ गए हैं, बस घींच दाबे का मार डरिन और फिर पेड़ में है टकाई दें बांध कर। कितने लोग? 6 लोग। ग्राम मिनीपुर है, थाना मिश्रित अंतर्गत। वहाँ एक लड़की निरावती है, पेशाब करने के लिए गई कह के, और जब कुछ देर तक नहीं आई तो उसके पिता पीछे पीछे गए तो लड़की आम के पेड़ में लटकी हुई मिली। 10 मिनट बाद पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में उस समय लोगों में दहशत फैल गई जब एक खेत में युवती की जली हुई लाश को ग्रामीणों ने देखा। लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके साथ अंदाजा लगाया जा सकता था कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लाश की शिनाख्त के लिए जुट गई है। युवती की पहचान छुपाने के लिए आरोपी ने उसके हत्या के बाद उसके ऊपर आग के हवाले कर दिया, जिससे युवती के शरीर जल जाने की वजह से अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन खेत में मिली इस लाश ने पूरे क्षेत्र को दहशत का माहौल बना दिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी देश विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।